मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कमलनाथ के घर पुलिस भेजने के मसले पर कहा कि ये कायर और डरी हुई सरकार का काम है, हमारा अकाउंट ब्लॉक करके भाजपा धन बल का उपयोग कर रही है। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कमलनाथ के घर पुलिस की दबिश को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि ये कायर और डरी हुई सरकार का काम है, हमारा अकाउंट ब्लॉक करके बीजेपी धन बल का उपयोग कर रही है। अमित शाह के दौरे को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि आज गृह मंत्री छिंदवाड़ा आ रहे हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले मध्यप्रदेश की जनता से जो वादे किए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। अमित शाह को इसका जवाब तो आज देना पड़ेगा। बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर पटवारी ने कहा कि अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के घोषणा पत्र का मूल्यांकन किया जाए तो बीजेपी जनता को गरीब कर आटा देना चाहती है, वहीं कांग्रेस लोगों को रोजगार देकर आत्मनिर्भर हिंदुस्तान बनाना चाहती है। छिंदवाड़ा में जो कृत्य भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन द्वारा किया गया ये उनके डर को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है। राहुल गांधी जी के हेलीकॉप्टर को की जांच करना ये महसूस कराता है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप देखो, नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, मध्य प्रदेश में भी पूरी बीजेपी धन बल का किस तरीके से उपयोग कर रही है, जग जाहिर है, खुल्ला नाच, नंगा नाच। दूसरी तरफ हमारे पास तो हमारे खाते सील थे, आर्थिक संसाधन की कमी है, हमारे कई कैंडिडेट एक वोट एक नोट की बात करते हैं। ऐसे में इस तरह की हरधर्मिता, एक विधायक के घर पे 4 घंटे तक पुलिस का रहना, फिर कमलनाथ जी के घर पे इस तरीके की घटनाक्रम करना, ये लोकतंत्र के साथ एक तरह से कुठाराघात है, उसकी हत्या है। इसकी निंदा पूरी मध्य प्रदेश की जनता ने करनी चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।